जय माता दी दोस्तों। और सब कैसे हैं? हम सब भी बढ़िया हैं दोस्तों। और आज वीडियो डालने जा रही हूँ, जो मेरे सब्सक्राइबर नॉन वेज खाते हैं उनके लिए कोई रेसिपी नहीं डाली है, लेकिन मैं वेज ही बनाऊंगी नॉन वेज की तरह से। तो वीडियो को फुल वॉच करना, ज़्यादा शेयर करना और सब्सक्राइब करना। शेयर कर दिया करो, कमेंट किया करो, अच्छी लगी रेसिपी नहीं अच्छी लगी, और लाइक कर दिया करो। देखिए कटहल आ गया है। देखिए दोस्तों, अब कटहल को मैंने काट लिया है और अब मैं इसका क्या करूँगी बताऊँगी आपको। इस तरीके से आप कटहल को काट लें, और कटे हुए भी आते हैं तो आप इस तरीके से। तो मैं इसके साथ आलू और ये कटहल को बॉईल करने रख दूँगी और इसमें लगा दूँगी 3 से 4 सीटी। तो देखिए दोस्त, देखिएगा मैं अब इसमें डाल दूंगी 2 गिलास पानी। देखिएगा अच्छी तरीके से उबल गया है। और अब हम इसको कैसे निकालेंगे, बिना छिला हुआ कटहल मैंने यूज किया है। आप भी इसी तरीके से जब भी कटहल की बना रही हूँ बैच चिकन। तो देखिए दोस्तों, इस तरीके से बिल्कुल वैसा ही टेस्ट आएगा। देखिएगा जो लोग खाते हैं, मेरे यहाँ खपती नहीं है, लेकिन कुछ कुछ लोग मैंने देखा है बनाते हुए, तो उसी तरीके का आएगा। देखिएगा किस तरीके से। तो देखिए कटहल को मैंने निकाल लिया है, और ये पतला वाला कटहल गर्मियों में जो चलता है उसमें मोटे वाले बीज वाला ना लें और ये छोटा वाला ले लें। देखिएगा इसका, देखिएगा अब इसको हम मिक्स करे ले रहे हैं अच्छी तरीके से। तो देखिएगा इस तरीके से हम इसको सारा का सारा ढूंढ के अब आलू को भी फोड़ लेंगे, इसी में डालने जा रही हूँ। और आलू को तरीके से मिक्स कर लेंगे हम, और आप इसको अच्छी तरीके। तो देखिए दोस्तों, ये मिक्स हो गया है, अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया है। तो मैं डाल लूँगी अब इसमें धनिया पाउडर और गरम मसाला डाल दिया है मैंने। अब नमक स्वाद अनुसार डाल लेंगे। अब हम इसमें डालेंगे बेसन। अब मैं मैदा भी डाल सकते हैं। और अब मैं इसको मिक्स करूंगी, और मुझे जितना चाहिए, और ये थोड़ा सा सूखा है तो अभी मैं इसको, देखिएगा अभी मिक्स करने में थोड़ा सा पानी की ज़रूरत पड़ेगी। तो दोस्तों देखिएगा, बेसन मैंने इसी तरीके से डाला है, आप भी उसी तरीके से डालें। और ये करीब 1 किलो से ज़्यादा कटहल था और 1 किलो ही आलू होंगे, तो उबल के ये छिलका निकल के बहुत कम रह गया है। तो देखिए दोस्तों, मैंने यहाँ रख दी है कढ़ाई गरम होने, तेल डाल दिया है सरसों का तेल। अब हम कोफ्ते तल लेंगे इसको। और आप दोस्तों, कोफ्ते तलने के लिए मस्टर्ड ऑयल होता है वही लें, और ये रेसिपी आप घी में बना सकते हैं, लेकिन ये कोफ्ते के लिए तो मस्टर्ड ही ऑयल है। देखिएगा मैं ये सारे कोफ्ते तल लूँगी इस तरीके से। मैंने ये एक बार के निकाल दिए हैं। और अब अगर ज़्यादा अच्छा लुक चाहिए तो देखिएगा, मैंने ये पहले से गोल गोल बना के रख लिए हैं और कोफ्तों को आकार दे दिया है। तो इस तो ये सारे के सारे सिक गए हैं, आप देखिएगा। और यहाँ डाल दिया है मैंने पत्ता, और अब डाल दिया है खड़ा गरम मसाला, जीरा और इलायची। तो मैं इसको भुन जाने दूंगी। देखिएगा किस तरीके से चटक रहे हैं ये, थोड़ा सा केयरफुल आप इसको डालते समय। और जो मैंने पेस्ट बनाया प्याज लहसुन अदरक हरी मिर्च का, तो मैं वो डाल दूंगी इसमें। दोस्तों एकदम रेसिपी हम बिल्कुल नॉन वेज वाली जैसी ही बना रहे हैं। और जो मैं वेजिटेरियन हूँ तो मैं नॉन वेज नहीं खाती हूँ, तो जो कीजिए ज़रूर। तो अब मैंने जो टमाटर पीसे थे वो डाल दिया है, क्योंकि प्याज भुन चुकी थी, ऑयल छोड़ दिया था। अब देखिएगा साइड से ऑयल आना स्टार्ट हो गया है, और ये टमाटर भी भुन चुका है प्याज के साथ साथ। देखिएगा यहाँ मैंने ले लिया है पानी, तो इसमें डाला है मैंने धनिया पाउडर, तो और ये गरम मसाला डाल दिया है मैंने।
मिर्ची पाउडर डाला है। दोस्तों आप स्वाद अनुसार ले लें, मैंने भी स्वाद अनुसार लिया है। हल्दी पाउडर ले लें, हल्दी पाउडर डाल दिया है मैंने। आप इसको मसालों को भूल के रख दें। अब ये कश्मीरी लाल मिर्च है, अब ये जो है पनीर मसाला भी ले सकते हैं, तो ये मैंने ले लिया है। अब देखिएगा ये मसाला भुन गया है, और ये जो मसाले का हमने घोल बनाया था ये भी डाल देंगे, और इसको भी अच्छी तरीके से भून लेंगे। देखिएगा रखा था वो भी डाल दिया है हमने, और इसको तो दोस्तों देखिएगा ये भुन चुका है, और आपको ऑयल दिखाई दे रहा होगा, ये काफ़ी अच्छे से भुन चुका है। अब मैंने घर में जो रखा हुआ दही है वो एक कटोरी यानी दो चमचे से ज़्यादा मैंने डाल दिया है, और दही डालने के बाद में इस तरीके से हल्का सा चलाया है। दोस्तों देखिएगा, आप इसमें क्रीम भी डाल सकते हैं, जो घर की बाहर से क्रीम आती है, जो हम लोग मलाई उतारते हैं वो भी डाल सकते हैं। दोस्तों अगर वो चीज़ें हों तो फिर क्या कहने, ये सब्जी लाजवाब बन जाएगी। अब हम डाल देंगे, दोस्तों मेरे पास क्रीम नहीं है तो एक कटोरी भर के यही वाली हमने डाल दिया है दूध, और चलाएंगे नहीं दोस्तों थोड़ी देर तक, जब तक देखिएगा मैंने काफ़ी देर बाद चलाया है, और अभी इस तरीके से ही केवल चलाऊंगी मैं। और इसका कलर देखिएगा ग्रेवी का, ये एकदम चेंज हो जाएगा। आपके पास नारियल का जो दूध होता है, नारियल का पेस्ट, हरे वाले नारियल का, वो भी डाल सकते हैं। ये वाली करी कई सब्जी रेसिपी में यूज कर सकते हैं, जो फिश खाते हैं वो भी आप इसको इसी तरीके से करी बना सकते हैं। इसमें आप हल्का सा यो येलो कलर की राई आती है वो डाल सकते हैं, नारियल डाल सकते हैं, बस आप फिश करी तैयार हो जाएगी आपकी। तो दोस्तों देखिएगा ये बॉयल आ रहा है इसमें, तो देखिए दोस्तों ये अच्छी तरीके से पक गया है, और मैंने डाला है इसमें हल्का सा शुगर, क्योंकि मेरे पास मावा नहीं था तो मैंने हल्का सा शुगर डाला है। आपके अकॉर्डिंग है, आप डालना चाहें, मीठा नहीं पसंद है तो आप मत स्किप कर दीजिए। और देखिएगा ये अच्छी तरीके से मसाला भुन गया है, अच्छी तरीके से पक गया है, ग्रेवी एकदम खोल गई है। तो अब मैं डालूँगी ग्रेवी के लिए पानी, क्योंकि इसमें कोफ्ते पकने हैं। तो मैं अब इसको भी देखिएगा मुझे कैसी, आपके अकॉर्डिंग है, आपको चावल के साथ कैसी ग्रेवी, अलग अलग ग्रेवी होती है, क्योंकि रोटी के साथ हम लोग अलग ग्रेवी चाहिए, चावल के साथ थोड़ी सी पतली चाहिए। दोस्तों देखिएगा मैंने अपने अकॉर्डिंग पानी डाला है, और आपको दिखाई दे रहा होगा किस तरीके से पकाया है। और आप देखिए दोस्तों ये बिल्कुल वैसे ही लग रहा है ना, जो नॉन वेज खाते हैं भैया वो चिकन की तरह से लग रहा है ये चिकन पकौड़ा। दोस्तों तो खाने में टेस्टी लगी थी, लेकिन बात वही आ रही थी बार बार। अब इस ये खोल गया है, पानी डाला था, अब हम एक एक करके इसमें कोफ्ते डाल देंगे दोस्तों, और सारे के, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, बहुत टाइम हो गया है दोस्तों आपके हाथ में है, आप वीडियो को शेयर नहीं कर रहे, और कमेंट में क्यों नहीं बताते हैं कि कैसी लगी। तो दोस्तों कोफ्ते मैंने डाल दिए थे, और ये भी खदक गए हैं काफ़ी अच्छी तरीके से, इन्होंने अब चॉप कर लिया है, जो ग्रेवी थी इन्होंने अपने अंदर भर ली है। और अभी मैं डाल दूँगी धनिया। तो दोस्तों ये सब्जी मेरी बनके तैयार है, और आप वीडियो को ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों मैंने शुरू में बोला था आप घी में भी, देसी घी में भी बना सकते हैं, बटर में भी बना सकते हैं, बहुत ही अच्छा है, तो मैंने देसी घी डाल दिया है। ये दोस्तों इसका कलर बिल्कुल नॉन वेज बनाते हैं उस तरीके का है, और देखिएगा ये पलट ली है, और अभी गार्निश कर लेंगे धनिए से। देखिए धनिए से गार्निश कर ली है हमने, और अब हम क्या करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जो भैया दीदी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब लाइक कमेंट करना ना भूलें दोस्तों, और मुझे फुल सपोर्ट करें। तो देखिएगा ये मैंने नॉन वेज रेसिपी वेज में कम करके आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ। तो दोस्तों देखिएगा मैं घर का ये घी डाल दूँगी इसमें, और ये अपने आप पिघल जाएगा। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जो भैया दीदी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब लाइक कमेंट करना ना भूलें दोस्तों। जय माता दी।